छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। वहीं इस बजट को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने प्रतिक्रिया दी है। छत्तीसगढ़ का बजट हम सब महतारियों के लिए बहुत ही सुखद पल लाने वाला है। आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने वाला बजट है। यह महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए और आने वाले समय में हमारी स्व सहायता समूह की बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है। महतारी वंदन योजना को लेकर मोदी जी की गारंटी के तहत हमने वादा किया था, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया था कि महतारी वंदन योजना के तहत 12,000 रुपये सभी को दिया जाएगा। और आज बहुत खुशी की बात है कि बजट में 117 करोड़ महतारी वंदन योजना के लिए आया है। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए, पूरक आहार के लिए 700 करोड़ का बजट आया है, जो कि हम सब के लिए, हमारी बालिकाओं के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। 10 नवीन अम्ब्रेला योजना प्रारंभ की जाएगी, जिसके लिए 628 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और सबसे सुखद बात यह है कि स्व सहायता समूह की बहनें, हमेशा हम गांव में जाते थे और ये कहा जाता था कि स्व सहायता की समूह की बहनों के लिए बैठने का स्थान नहीं है, तो ये ग्राम पंचायतों में हमारी महतारियों के लिए, हमारी स्व सहायता समूह की बहनों के लिए सशक्त करने के लिए उनके लिए निर्माण कार्य किया जाएगा, महिला सदन का, जिसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह बजट है वो गरीबों के लिए भी है, युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है और सबसे ज़्यादा हम अपने जो मुखिया है माननीय विष्णु देसाई जी को, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं इस बजट